तो हेलो मेरे किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं एक नए फार्मर के साथ हूँ और ये बगल में दिख रहा होगा, ये बहुत ही छोटा फार्मर है। अभी पढ़ाई के साथ साथ ये फार्मिंग भी करता है। अभी लगभग 10 साल एज हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं एज हो रहा है, 10 साल एज हो रहा है और सफल फार्मिंग कर रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस छोटे फार्मर का हम लोग नाम जानेंगे, क्या नाम है, किस क्लास में अभी ये पढ़ते हैं और कैसे ये फार्मिंग करते हैं, सारा कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा बहुत। और ये जानते हैं हम लोग कि छोटे किसान का क्या नाम है और अच्छे से कैसे सफल फार्मिंग कर रहे हैं। तो अब क्या नाम है आपका? ओम कुमार सिंह मेरा नाम है। किस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं आप? सेवन क्लास में। सेवन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये फार्मिंग जो है, ये कब से सीखा आपने फार्मिंग? जब पहले तो मेरा भाई छींटता था, फिर मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम छींटने लगे। हम रोज़ आते थे पोखर पे, तालाब पे, फिर देखते थे कि कैसे छींटता है। फिर मेरा भाई तो एक्सीडेंट हो गया, फिर अपने से हम छींटने लौटने लगे। हाँ, तो किसान भाइयों, इनका जो बड़ा भाई है, ये इनका एक्सीडेंट हो गया है और मैं ही इसका बड़ा भाई हूँ। और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो यही अभी टेक ओवर कर रहा है पाउंड को और यही फिश फार्म में, मतलब फीड को दाना दे रहा है, देख रेख कर रहा है अभी यही। मैं तो अभी भी दिख रहा होगा आपको कि स्टिक से चलता हूँ और ऐसे तालाब पे देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए आता हूँ। मैं ऐसे फीड दे नहीं पाता हूँ, फीड वेट यही देता है अभी और अच्छे से ये सीख लिया है फिश फार्मिंग। तो हम अभी इसमें कितना, इस पाउंड में जो बगल में पाउंड जो है, अभी इसमें कितना आप देते हैं फीड डेली? छः बोरी। एक बोरी में कितना केजी आता है फीड? 35 केजी लगभग। किसान भाइयों, 35 केजी आ रहा है तो 6 बोरी का लगभग 210 केजी के आसपास हो गया, 2 क्विंटल 10 केजी इस तालाब में लगभग अभी ये फीड दे रहे हैं। कितना मछली है इस पाउंड में अभी? 8000 पीस अभी इस पाउंड में मछली है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि दाना देने के बाद मछलियाँ कैसे दाना खाती है। अभी दाना इसमें दिया जा रहा है, देखिए अभी पता चल जाएगा कि मछली कैसी है, मछली का एक्टिविटी कैसा है। अच्छा ओम, एक बात, मछली पालन करने में मज़ा आता है क्या? बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ऐसे अगर किसान करना चाहे, जो कि नहीं कर पाते हैं, जिनको कि डर लगता है कि सक्सेसफुल नहीं होएंगे, नहीं कर पाएंगे फिश फार्मिंग में सक्सेस, क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ ना, ये सब लोग कर सकता है और कोई भारी चीज़ ना है। हाँ, बस यही है किसान भाइयों की, ये भी जो है करता नहीं था पहले, ये भी देखने के लिए आता था पाउंड पे और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। निगम नीचा करी कटा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है फिश फार्मिंग। अच्छा, ऐसे पाउंड में बीमारी होता है क्या? बीमारी पाउंड में आता है क्या? बीमारी आता है, उसके लिए दवाई खरीद के रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो दवाई खरीद के रखना पड़ता है नहीं? हाँ, तो अच्छा, एक कल्चर में जो पानी है इसका, तालाब का, कितने बार चेंज करते हैं? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार चेंज। पूरा लागत कितना लग जाता है, मतलब कि कल्चर करने में इस तालाब में? मैं एक ही तालाब का किसान भाइयों बात कर रहा हूँ अभी, ये एक तालाब का कल्चर करने में लगभग कितना लागत लग जाता है आपको? 5 से 6 लाख। 5 से 6 लाख लग जाता है। तो ये मछली तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है ओम, इसका हार्वेस्टिंग आप कब करने वाले हैं? 1 महीने बाद। अभी ये कितने साइज का लगभग ओम ये मछली हो गया होगा? 800-900। हाँ, 800-900 ग्राम की हो चुकी है मछली और इसका 1 महीने के बाद हार्वेस्टिंग होगा। तो अच्छा, 8000 मछली है, इसमें पर डे लगभग 210 केजी का दाना ये ले रही है, खा रही है। तो आपको क्या लगता है कि 6 लाख रुपया, 5 से 6 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा? लगभग 2 से 2.5 लाख फ़ायदा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, ये एक छोटा फार्मर है और जो एक छोटे फार्मर को इतना पता है, तो आप लोग भी आराम से फिश फार्मिंग कर सकते हैं और आप लोग भी डरिए मत, फिश फार्मिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बोरी देखिए दाना ख़त्म हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा, एक बोरी तो दाना ख़त्म हो गया और अभी ये दूसरा बोरी दिया जा रहा है। मैं थोड़ा और बात करता हूँ ओम से, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ओम, ये जो मछली हार्वेस्टिंग होगा तो ये कहाँ आप सेल करते हैं? मार्केट जाते हैं आप खुद सेल करने के लिए या फिर आपके तालाब पे आता है मछली ले जाने के लिए? मेरे तालाब पे आता है मछली ले जाने के लिए। तो अभी मार्केट रेट क्या है?
एक दस भी चलता है, मतलब कि जब हार्वेस्टिंग करते हैं तब पता चलता है, एक दस बीस तीस तक जाता है। हाँ, एक तीस तक जाता है। तो हार्वेस्टिंग करने में कितना टाइम, मतलब कि प्रॉब्लम होता है हार्वेस्टिंग करने में, या फिर नॉर्मल हार्वेस्टिंग हो जाता है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके लिए दवाई ववाई चाहिए। जब प्रॉब्लम आता है दवाई अपनों दे दीजिए। किस में दवाई देना है? मछली में देना जब प्रॉब्लम आ जाए। तो मछली में नहीं, हार्वेस्टिंग में पूछ रहा हूँ आपसे कि हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो आपके तालाब पे मतलब मछली लेने के लिए आ जाता है, या फिर आप पहुँचा के देते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे तालाब पे आता है लेने के लिए। तालाब पे आ जाता है लेने के लिए। अच्छा, अभी ये जो दाना है, ये दाना आप कहाँ से लाते हैं? ये इसी जगह मेरे बगल में ही बेचता है। बगल में बेचता है, वहीं से ये दाना आता है। और ये दाना अच्छे से खा रही है मछली? सही से खा रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दाना में क्या क्या मिला के देते हैं? जैसे कि ब्रूटाउन हुआ और इसका पाउडर सब आता है, तो वह सब दीजिएगा तो आपका जल्दी निकल जाएगा। और नमक भी देना पड़ता है। नमक दीजिएगा तो आपका इस मछली में भूख जगता है तो ज़्यादा खाता है और जल्दी से बढ़ जाता है और जल्दी से आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, यही एक छोटा फार्मर है, ऐसे बात करने में थोड़ा सा नर्वस हो गया है। तो देखिए, अभी हम बात किए एक छोटे फार्मर से, अभी भी फीड दे रहा है और अच्छे से मछलियाँ खा रही है, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। अब हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर एक बार वीडियो बनाएंगे इस छोटे फार्मर के साथ, क्योंकि अभी यही टेक ओवर किया है इस पाउंड को और फीडिंग कर रहा है, खिला रहा है और यही पाल रहा है, अभी सब कुछ मैनेजमेंट यही कर रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे फिश फार्मिंग, कोई दिक्कत है नहीं। तो कोई भारी चीज ना है करना, कोई मतलब जब बच्चा हम कर सकते हैं तो आप लोग काहे नहीं कर सकते हैं, आप लोग तो बड़े बड़े हैं। हाँ, तो देखिए इनका बोलना है कि आप लोग तो, हम तो छोटे हैं, 10 साल के हैं, फिर भी एक सक्सेसफुल हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी ट्रेनिंग के रूप में सीख सकते हैं कुछ, तो इसीलिए वीडियो को देखिए पूरा अच्छे से, सारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, जल्दी वीडियो आएगा। इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।